की रात्रि में जो घर के मंदिर में चांदी के पत्थर के या किसी भी प्रकार के गणेश गोरा जी रखे हो उनकी पूजा रात दिवाली की रात्रि में नहीं करना चाहिए। दिवाली की रात्रि में केवल या तो चांदी के सिक्के में बने गणेश गोरा की पूजा करे या मिट्टी के गोरा गणेश कहीं मिल जाए तो वो ले आवे, क्योंकि दिवाली की रात्रि में की गई पूजा गणेश गोरा की, उन गणेश गोरा को कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने खजाने में लॉकर में रखना चाहिए। ध्यान देना, इस तरह गणेश गोरा की पूजा करी और गणेश जी का सर जो कटा हुआ था वो रोने लगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे कटे हुए सर की धड़ पर तो प्रथम पूज्यमान सर लगा दिया, पर ये जो कटा हुआ सर है ये आपके त्रिशूल से कटा है, अजर अमर हो गया है, ये मरेगा नहीं। आपको इसको भी ऐसी जगह लगाइए जहां रोजाना भले इसकी पूजा ना हो लेकिन जिस दिन विशेष तौर से गणेश जी की पूजा व्रत हो उस दिन इस असली गणेश के दर्शन अवश्य करे, पूजा करे, तब गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी उस असली सर को शिव जी ने उठाकर जो ललाट पे चंद्रमा बैठा था, ध्यान देना, ललाट पे चंद्रमा बैठा था उसमें जो अमृत का कलश था, शिवजी ने कटे हुए गणेश के सर को चंद्रमा के अमृत के कलश के मुख पर स्थापित कर दिया। पार्वती ने आशीर्वाद दिया, मेरे गणेश का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में हुआ और गणेश का जन्म उत्सव भादवे महीने की चतुर्थी से लेके पूर्णमासी तक किया गया। वो मेरे हाथी वाले गणेश की पूजा जो भादवे महीने में मूर्ति बनाकर जो पूर्णमासी तक पूजा करके जल में इस मूर्ति को विसर्जन करेंगे, मेरे गणेश की कृपा हो जाएगी। लेकिन गणेश का जो सर कटा वो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में पड़ा, याद रखना, गणेश का जो सर कटा वो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन था, इसलिए माता पार्वती ने वरदान दिया आज की तिथि मेरे जिंदगी की संकट की तिथि थी, इसलिए ये संकट चतुर्थी कहलाई। और जिस दिन भगवान ने कटे हुए असली सर गणेश के सर को अमृत के कुंभ में लगाया, अमृत के कुंभ में लगाया, वह दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन था। कलश को कुंभ कहते हैं और धर्म भाषा में करवा कहते हैं। करवा, कुंभ, कलश, ये एक ही पर्यायवाची है। करवे में रखा गया, इसलिए पार्वती ने कहा आज की चतुर्थी करवा चतुर्थी होगी और बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हुआ। इसलिए मां पार्वती ने चारों तिथियों को वरदान दे दिया, भादवे महीने में जन्म उत्सव जो मनाएगा उसको मेरा आशीर्वाद मिलेगा, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में जो सौभाग्यवती नारियां गणेश का व्रत करेंगी उनके पुत्रों की आयु, संतान की आयु, विद्या धन बल प्राप्त होगा। जो कार्तिक महीने की करवा चतुर्थी का व्रत करेंगी उसका सुहाग आरोग्यवान यशस्वान बुद्धिमान ज्ञानवान धनवान बलवान यशस्वान बनेगा, जीवन में सम्मान प्राप्त होगा। नंदिरा, और जो बैसाख महीने की चतुर्थी तिथि का सौभाग्यवती व्रत करेगी वह जिंदगी में पति और पत्नी में प्रेम होगा और पत्नी 100 साल की उम्र पाकर के पति से पहले ही चली जाएगी, सुहागन ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा।
वैसाख की चतुर्थी का इसीलिए। लेकिन इन चार चतुर्थियों में से भादवे महीने की चतुर्थी को छोड़कर वहां तो उस हाथी वाले गणेश की पूजा करना, बाकी माघ के महीने की चतुर्थी में, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में हाथी वाले गणेश की पूजा नहीं होगी, मेरे कटे हुए असली सर की पूजा होगी। इसलिए किसी मिट्टी में कलावा बांधकर, दुर्वा घास लगाकर, उसी को गणेश का पिंड समझकर सुहागन स्त्री व्रत के दिन उसकी पूजा करेगी, कथा सुनेगी। मगर उसका व्रत तब संपूर्ण माना जाएगा जब मेरे गणेश के असली सर के दर्शन करेगी। किसके दर्शन करेगी, जोर से बोलो, असली गणेश की, सर की। और असली गणेश का सर कहां पर स्थापित है आप बताओ, जोर से बोलो, चंद्रमा के अमृत के कुंभ में है। इसीलिए करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली सुहागन स्त्रियां चंद्रमा के दर्शन करती हैं, क्योंकि वह गणेश का असली सर है।